तो जो अपना टॉपिक चल रहा था प्यारे साथियों, राजस्थान का साहित्यिक विकास, ठीक है। इसमें अपने अब तक 4 से 5 क्लासे हो चुके हैं, जिनमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें साहित्य के बारे में बातें की थी। जैसे कि एक तो साहित्यिक शब्दावली, राजस्थान में साहित्य के लिए कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो बातें की थी। इसके अलावा साहित्य को कितने भागों में बांटा गया वो बातें की थी साथियों। इसके अलावा साहित्य का काल विभाजन ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और इसमें अपना साहित्य का काल विभाजन में साथियों अपना एक जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, और वो हमने पढ़ा था राजस्थानी साहित्य का प्राचीन काल, इसके अलावा आदिकाल जिसे कहते हैं, या फिर साथियों वीर गाथा काल भी हम उसे कह सकते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट, और जिसका समय आपका जो था 8वीं से लेकर 15वीं सदी तक था, ठीक है। और इसके बाद जो इसी में हमने दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट किया था साथियों इसी चैप्टर में, वो था राजस्थानी साहित्य का मध्यम काल, साहित्य एवं जिसे साहित्यकारों का काल भी कहा जाता है, वो हमने साथियों स्टार्ट किया था, और इसमें एक दो क्लासे भी अपनी हो गई थी, ठीक है, ओके। और आज जो अपन पढ़ेंगे उससे आगे पढ़ेंगे साथियों, और आज देखो भाई, आज यहाँ पर पढ़ने वाले साथियों, यहाँ पर लगभग इसमें 21 बातें हैं ना, 21 जो महत्वपूर्ण साथियों इतिहासकार हैं साहित्यकार हैं उनके बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट आगे जो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो पढ़ने वाले इसमें कौन सा भाई, महाराणा कुंभा, ठीक है। महाराणा कुंभा के बारे में आप सभी जानते हैं, महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे भाई, ये मेवाड़ के शासक थे, 1433 में क्या बनते भाई, मेवाड़ के शासक बनते हैं, ओके, ठीक है। इसके अलावा ये साथियों राजस्थानी स्थापत्य कला के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, ओके, ये भी साथियों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे साथियों, ये मेवाड़ के शासक थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, कलम कटार का धनी भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्यारे साथियों आपके यहाँ पर महाराणा कुंभा को कहा जाता है, क्या कहते हैं साथियों, कलम कटार का धनी कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, काव्य गुरु कौन थे, और इसके अलावा चित्रकला के गुरु इनके कौन थे, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछता है यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है, संगीत गुरु की यदि आपसे बात करता है तो संगीत गुरु कौन थे साथियों, सारंगधर व्यास जी थे, ठीक है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, सारंगधर व्यास थे। काव्य गुरु कौन थे, कान्हा व्यास थे, है ना। इसके अलावा ये जो कान्हा व्यास है ना, कान्हा व्यास, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इनके कान्हा व्यास के बारे में, जो एकलिंग महात्म्य है ना, एक तो आपका एकलिंग नाथ मंदिर है कैलाशपुर उदयपुर में है, और एक ग्रंथ आता है साथ, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ आता है, उस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की जो रचना की थी वो कान्हा व्यास और इसके अलावा महाराणा कुंभा इन दोनों के द्वारा की गई थी, ठीक है, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसमें, ओके, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बोलो भाई, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा, विजय भगड़ोत बोलो भाई, ठीक है। तो संगीत गुरु सारंग व्यास हो जाएंगे, और काव्य गुरु साथियों कौन हो जाएंगे, यहाँ पर कान्हा व्यास जी हो जाएंगे, ओके, ठीक है। चित्रकला के गुरु कौन है साथियों, इनके जैनाचार्य हीरानंद, जो आपने पढ़ा है साथियों के मेवाड़ चित्र शैली में हमें दूसरा जो चित्रित ग्रंथ मिला था सुपासनाचरियम, ठीक है, सुपासनाचरिय जो राणा मोकल के समय जो हमें मिला था साथियों, ठीक है ना, वो इन्हीं का था, जैनाचार्य हीरानंद जी का ही था, ठीक है। तो इनके चित्रकला के गुरु कौन थे साथियों, जैनाचार्य हीरानंद चित्रकला के गुरु थे, किसके, राणा कुंभा के गुरु थे। अब देखो भाई, राणा कुंभा ने साथियों, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा संगीत ग्रंथ नहीं है, या फिर संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ राणा कुंभा का नहीं है, ठीक है। तो तीन ग्रंथ आपको देगा और एक ऐसा देगा साथियों जो राणा कुंभा का वहां पर नहीं होगा। जैसे देखो सीधा सीधा आता है, संगीत राज देगा, संगीत मीमांस देगा, सुर प्रबंधन देगा, और एक सीधा सीधा ऑप्शन देता है उसमें कला निधि, ठीक है। तो वहां पर राणा कुंभा द्वारा संगीत ग्रंथ कौन सा नहीं होगा साथियों, आपका कला निधि नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर निम्न ग्रंथ लिखे, जैसे कि संगीत राज हो जाएगा, संगीत मीमांस हो जाएगा, संगीत रत्नाकर होगा, और सुर प्रबंधन, ठीक है। ये राणा कुंभा द्वारा रचित संगीत शास्त्र के क्या है भाई, ग्रंथ जो संगीत के लिए लिखे गए थे, ठीक है। अब देखो एक और सीधा सीधा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है साथियों, तो सीधा सीधा जो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो संगीत राज है, संगीत राज, ठीक है, संगीत राज कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है, संगीत राज कितने भागों में बटा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है संगीत राज कितने भागों में बटा हुआ है, भाई 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं, अब इनको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक इनको याद करने क्या है, ठीक है।
क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा ये। एक तो ये आता है कि संगीत राज कितने भागों में बटा हुआ है, पांच भागों में कर दोगे आप। और एक आता है कि कौन सा संगीत राज का भाग नहीं है। तो यदि ये पांच भाग साथियों आपके याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनको कैसे याद करोगे। पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, गीत रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। अब आप साथियों ने याद कैसे करोगे। ठीक है, ट्रिक बताता हूं मैं उसको याद करने की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, पाठ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पाठ पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ोगे, पाठ। और उस पाठ को भी किसके माध्यम से पढ़ोगे आप, गीतों के माध्यम से। यानी कि जब पाठ पढ़ेंगे तो एक प्रकार से हमारी आवाज आएगी, ध्वनि निकलेगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं गीतों के माध्यम से, गीत गाकर। पाठ को कैसे पढ़ रहे हैं, गीत गाकर पढ़ रहे हैं। अब जब गीत हम गाएंगे तो भाई बिना वैसे तो हम गीत गा नहीं सकते, उसके लिए हमें किसका आवश्यकता पड़ेगी, वाद्य यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी कि कुछ ढोलक, नगाड़ा, बाजा जो भी है, ठीक है, जो भी है, यानी कि वो वाद्य यंत्र हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि पाठ भी पढ़ लिया हमने, गीत भी गा लिया, लेकिन अब हमें कुछ आनंद नहीं आ रहा गीत गाने को ना, तो गीत किसके साथ गाएंगे साथियों, गीत गाएंगे वाद्य यंत्र के साथ। अब देखो भाई, गीत भी गा लिया किसके साथ, वाद्य यंत्र के साथ। अब मुझे ये बताओ, जब वाद्य यंत्र के साथ गीत गा लिया, जब वाद्य यंत्र बजेगा, जब नगाड़ा बजेगा, ढोलक बजेगा, बाजा बजेगा, तो किसका मन करेगा, नाचने का। किसका मन करेगा, नाचने का। तो ये क्या हो जाएगा, नृत्य रत्न कोश। और जब आपको पता है जब डीजे बजता है नाचते हैं ना, और जब नाचने से साथियों मन भर जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई क्या आ गया, अब तो रस आ गया। क्या आ गया, रस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आप इन्हें याद कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, पाठ, किसके माध्यम से, गीतों के माध्यम से, और कैसे, किसके, वाद्य यंत्र के साथ। और फिर इससे हमें क्या आया, हमने क्या किया, नृत्य किया, और नृत्य कर हमें क्या आया, रस आ गया। ठीक है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है, बहुत अच्छी शानदार जानदार है ना, हाँ बिल्कुल जी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो संगीत राज साथियों पांच भागों में विभक्त है। ठीक है, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, और इसके अलावा साथियों रस रत्न कोश। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी मैं बाद में थोड़ा जवाब दूंगा आपको। ठीक है ना, ओके, हाँ सब रखो बस। अब देखो साथियों नेक्स्ट आगे की ओर, नेक्स्ट आगे इसमें बात करते हैं महाणा कुंभा की कौन कौन सी टीका है। तो इन्होंने साथियों जयदेव के गीत गोविंद पर एक इन्होंने लिखी थी रसिक प्रिया की टीका। कौन सी टीका लिखी थी, जयदेव के गीत गोविंद पर महाणा कुंभा ने रसिक प्रिय की टीका लिखी थी। एक इसके अलावा चूड़ी शतक पर भी साथियों ने क्या लिखा था, टीका लिखी थी। और ये इनका प्रमुख ग्रंथ लिख लेना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसे। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसे। प्रमुख ग्रंथ इसका कौन सा हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा आपका कामराज रतिसार। कामराज रतिसार किसका प्रमुख ग्रंथ है, तो ये आपका हो जाएगा साथियों महाराणा कुंभा का प्रमुख ग्रंथ है कामराज रतिसार। ओके ठीक है, ये साथियों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे साथियों यदि मैं बात करता हूं, आगे आते हैं आपके कान्हा व्यास, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था संगीत गुरु। ठीक है, जो अभी अभी मैंने आपको यहां पर बताया था ना, देखो ये आप देख सकते हैं, सॉरी संगीत गुरु नहीं, संगीत गुरु तो सारंगधर व्यास है, काव्य गुरु। ठीक है, राणा कुंभा के जो काव्य गुरु थे वो कौन थे भाई, कान्हा व्यास, यानी कि यही कान्हा व्यास जी थे। ठीक है ना, महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे, कुंभा के दरबारी विद्वान भी थे। और प्रमुख ग्रंथ कौन सा है साथियों, का एक लिंग महात्म्य है। अब देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर रखना है, एक आता है एक लिंग नाथ मंदिर और एक लिंग नाथ एक लिंग महात्म्य। ये एक लिंग महात्म्य तो क्या है, ग्रंथ है, और एक लिंग नाथ आपका क्या है साथियों, मंदिर है, कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। ओके ठीक है, जो मेवाड़ के शासकों से रिलेटेड है वो आपको ध्यान रखना है, जिसका निर्माण साथियों बप्पा रावल ने 8वीं सदी में करवाया था। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कान्हा व्यास कुंभा के दरबारी विद्वान थे, प्रमुख ग्रंथ कौन सा था इसका, एकलिंग महात्म्य। अब देखो संस्कृत में लिखा गया था एकलिंग महात्म्य। ठीक है, अब एकलिंग महात्म्य में भी साथियों आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखने, और दो क्वेश्चन क्या ध्यान रखने भाई, एक तो आपको साथियों ये ध्यान रखना है कि एकलिंग महात्म्य की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो इसका एक भाग जो था ना, एक भाग उसकी रचना कौन करता है साथियों, कुंभा करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक भाग यदि साथियों उसकी रचना कौन करता है, राणा कुंभा करता है।
जबकि दूसरे भाग की रचना कौन करता है भाई, दूसरे भाग की रचना करता है प्यारे साथियों यहां पर कान्हा व्यास। तो ध्यान रखना आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट आपके आते हैं साथियों मंडन, ठीक है मंडन के बारे में ध्यान सुनना है। ये साथियों जो मंडन थे ना, केता नामक ब्राह्मण का पुत्र था, ठीक है केता नामक एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र थे, उनका नाम था मंडन। और जो मंडन था साथियों ये राणा कुंभा का क्या था भाई, प्रमुख शिल्पी था, ठीक है ओके। हाँ महाराणा कुंभा राणा कुंभा का क्या था, ये शिल्पी था मंडन, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट इनके बारे में बनता है, जो मंडन थे साथियों इन्हें कुंभलगढ़ दुर्गा में क्या कह सकते हैं, शिल्पी या वास्तुकार भी कह सकते हैं, ठीक है मंडन को कुंभलगढ़ दुर्गा शिल्पी या वास्तुकार भी कह सकते हैं, और इसके अलावा राणा कुंभा के प्रमुख शिल्पियों में से एक थे। अब देखो भाई एक इनके आते हैं साथियों भाई और एक आता है इनका पुत्र। तो भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था नाथा, और नाथा के द्वारा एक ग्रंथ रचा जाता है साथियों वास्तु मंदिरी, ठीक है ये काफी बार पूछ लेता है सीधा सीधा, और इनमें कंफ्यूज मत करना कि वास्तु मंदिरी किसकी है, ठीक है। और इनके अलावा इनका पुत्र था गोविंद, और गोविंद के ग्रंथ कौन कौन से, देखो तो गोविंद के ग्रंथ साथियों यहां पर कितने हैं, गोविंद के ग्रंथ हैं साथियों तीन, उदार धोरणी हो जाएगा, कला निधि हो जाएगा, और द्वार दीपिका हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी अभी कुछ समय पहले ना, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन साथियों है ना, इसमें मैंने आपको बताया था ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत शास्त्र पर ग्रंथ नहीं है, तो उसमें जैसे कि संगीत राज हो गया, संगीत मीमांस हो गया, सूड प्रबंधन हो गया, और एक हो गया आपका कला निधि। तो कौन सा नहीं होगा साथियों वहां पर आपका, तो वहां पर ये नहीं होगा साथियों, कौन सा वाला, कला निधि वाला नहीं होगा, ठीक है कौन सा नहीं होगा, कला निधि। कला निधि किसकी है, कला निधि मंडन के पुत्र गोविंद की है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको जो मंडन थे ये राणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी थे, इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजमहल में स्थित है उसके भी शिल्पी वास्तुकार थे, और केता नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, भाई का नाम था नाथा जिसकी जिसका ग्रंथ है साथ वास्तु मंदिरी, और एक इनका पुत्र था, पुत्र का नाम क्या है गोविंद, और गोविंद के द्वारा साथियों तीन ग्रंथों की रचना की गई है, उद्धार धोरणी, कला निधि और द्वार दीपिका, ये तीन ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है इतना आपको साथियों ध्यान रखना है। अब देखो भाई आगे अब बात करते हैं कि मंडन के बारे में, इतना तो हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है अब मंडन के बारे में आगे क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ग्रंथ मंडन के द्वारा लिखे गए थे। जैसे हम पढ़ते थे राणा कुंभा के बारे में विभिन्न उपाधियां, हाल गुरु है, दान गुरु है, सेल गुरु है, छाप गुरु है, चाप गुरु है, ठीक है रायण रासो है, ठीक है तो वो उपाधियां राणा कुंभा से रिलेटेड थी, और उन उपाधियों को यानी जैसे कि राण रासो क्यों कहा गया था, ठीक है ओके। तो ये सभी बातें इसी प्रकार से यहां पर लिखी गई हैं मंडन के बारे में प्रमुख ग्रंथ। देखो भाई अब एक चीज आप सीधा सीधा ध्यान रखना भाई, एक चीज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से यहां पर बताने वाला हूं साथियों, और वो क्या बताने वाला हूं, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या ध्यान रखना है भाई, जहां भी आपको मंडन शब्द दिख जाए अंत में, ठीक है जहां भी लगभग ज्यादातर आपको साथियों मंडन शब्द देखने को मिल जाए तो वहां पर आप सीधा सीधा क्या कर देना, किसका ग्रंथ हो जाएगा, वो मंडन का हो जाएगा, ठीक है जहां भी सीधा सीधा मंडन देखने को मिल जाए आपको शब्द, वो ग्रंथ सीधा सीधा किसका ग्रंथ हो जाएगा साथियों, मंडन का हो जाएगा, ओके ठीक है। तो देखो भाई रूप मंडन, अब रूप मंडन की बात करता हूं मैं, रूप मंडन में किसके बारे में बताया गया है, यानी कि जो रूप मंडन साथियों इन्होंने ग्रंथ की रचना की है इसमें बताया गया किसी के बारे में, तो किसके बारे में बताया गया है, मूर्ति कला के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मूर्ति कला के बारे में हमें कहां देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है साथियों मंडन के प्रमुख ग्रंथ रूप मंडन में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे आता है इसमें देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार, ठीक है देव मूर्ति प्रकरण का अन्य नाम क्या है साथियों, रूपावतार भी है, और इस रूपावतार में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, मूर्ति निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना, ठीक है यानी कि यहां पर तो मूर्ति कला के बारे में दिया रूप मंडन में, जबकि मूर्ति का निर्माण कैसे होता है और उसकी जो स्थापना होती है उस प्रतिमा की, उस मूर्ति का जो अनावरण होता है स्थापना होती है वो कैसे होती है, ये हमें कहां देखने को मिला था, रूपावतार या देवमूर्ति प्रकरण नामक ग्रंथ में देखने को मिला था, ठीक है भाई ओके। नेक्स्ट आगे देखो वास्तुमंडन, तो वास्तुमंडन जो साथियों आपकी किससे रिलेटेड है भाई, वास्तुकला से हो जाएगी, ठीक है। अब वास्तुकला में आपके जैसे क्या आते हैं साथियों, आपके किले हो गए, महल हो गए, ठीक है ये आते हैं वास्तुसार,
वास्तु शास्त्र में आप आएंगे दुर्ग आ जाएगा, भवन हो जाएगा और नगर निर्माण, ये आपके किसमें हो जाएंगे? वास्तु शास्त्र में हो जाएंगे। जबकि कोदंड मंडन में क्या है भाई, कोदंड मंडन जो है साथियों धनुर्विद्या से रिलेटेड है। ओके, जो धनुष विद्या है उसके बारे में हमें कहां देखने को मिलता है? कोदंड मंडन देखने को मिलता है, और शगुन मंडन में हमें क्या देखने को मिलता है? सगुन और अपशगुन। ठीक है, ये जानते हो आपके सगुन और अपशगुन क्या होता है। ठीक है, ओके, तो सगुन और अपशगुन के बारे में हमें कहां देखने को मिलता है साथियों? शकुन मंडन में देखने को मिलता है। ठीक है, वैद मंडन व्याधि और निदान की, जो व्याधियां होती हैं उनका निदान, जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का साथियों समाधान हमें किस प्रकार से करना है, ये हमें कहां देखने को मिलता है? वैद मंडन में देखने को मिलता है। देखो भाई, जैसे मान लो हमें कोई साथियों व्याधि है ना, कोई समस्या होती है, तो हम कहां जाते हैं? वैद्य जी के पास जाते हैं। कहां जाते हैं भाई? अरे जैसे अपने गांव में होते ना वैद होते हैं, साने भोपे जी ने बोलते अपने गांव के पास हम। ठीक है, तो व्याधि अर्थात जो भी कोई समस्या होगी उस समस्या के निदान के लिए साथियों हम कहां जाएंगे? वैद्य जी के पास। तो ये ध्यान रखना आपको, व्याधि और उनका निदान किस में भाई? वैद मंडन में देखने को मिलता है। प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन में साथियों देवालय निर्माण कला के बारे में, कि जो देवालय थे उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, किस कला के माध्यम से किया जाता है, तो ये सभी हमें कहां देखने को मिले हैं? वैद मंडन में देखने को मिले हैं, सॉरी प्रसाद मंडन में। इसके बाद एक लास्ट आता है साथियों उनका ग्रंथ, और वो ग्रंथ हो जाएगा राजवल्लभ मंडन। ठीक है, अब राजवल्लभ मंडन में साथियों में किसके बारे में देखने को मिलता है? तो इसमें हमें शिल्प शास्त्र पर आधारित हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि नगर नियोजन के बारे में है। ठीक है, जो सामान्य नागरिक थे ना, सामान्य नागरिक के रहन सहन और उनका नगर नियोजन, इनके बारे में साथियों हमें देखने को मिलता है। वो कहां देखने को मिलता है भाई? वो देखने को मिलता है राजवल्लभ मंडन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि साथियों आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं भाई एक बार। ठीक है, बताएं जल्द से जल्द, यदि किसी भी साथी को कोई यहाँ पर साथियों प्रॉब्लम हो तो इसमें। ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद चलते हैं प्यारे साथियों अपन आगे की ओर। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो ओके भाई, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो अब नेक्स्ट अगला जो हम पढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर अगले जो आपके साहित्यकार आएंगे वो आएंगे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट अगले शासक आपके हो जाएंगे साथियों यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। कौन से हो जाएंगे आपके? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। आप सभी जानते हैं इनके बारे में, महाराज जसवंत सिंह के बारे में, कहां के थे भाई? ये जोधपुर के थे। ओके, और ये जो साथियों ग्रंथ लिखते थे वो डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में ये ग्रंथ लिखते थे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहां पर साथियों इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा साथियों यहां पर इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से। देखो यदि जिसको भी समझ नहीं आया ना, तो वो एक बार पहले जो अभी पिछली क्लास है ना, इससे रिलेटेड साहित्य से रिलेटेड साथियों जो मध्यकालीन साहित्य है, जिसे साहित्य एवं साहित्यकारों का समय कहा गया है, वो पहले पिछली वीडियो को जाकर देखें, तब जाकर आपको सही तरीके से समझ आएगा, तब आपको पता चलेगा कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। ओके, जब तक आप उन पिछली वीडियो को नहीं देखोगे, पिछली क्लास को नहीं देखोगे साथियों, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके, हाँ, तो देखो भाई ये आपको जान रखना है, मारवाड़ के क्या थे भाई? मारवाड़ के शासक। कहां के शासक थे भाई? जोधपुर। ठीक है, डिंगल व पिंगल दोनों भाषाओं में क्या थे? ये निपुण थे। ठीक है, डिंगल व पिंगल दोनों भाषाओं में निपुण। ठीक है ना, सिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में क्या थे? साथी निपुण थे। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहां पर इनके प्रमुख ग्रंथ। कि इनके आपके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, प्रमुख ग्रंथ यदि मैं बात करता हूं तो भाषा भूषण है, चंद्र प्रबोध है, आनंद विलास है। ठीक है, कौन कौन से हैं प्रमुख ग्रंथ?
आशा भूषण, ठीक है, चंद्र प्रबोध, ठीक है, चंद्र प्रबोध हो गया। नेक्स्ट अगला आनंद विलास, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट यदि आगे की बात करता हूं साथियों, इसमें अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। और यदि नेक्स्ट आगे की ओर बात करता हूं साथ, इसमें आपके नायिका भेद, ओके, ठीक है, नायिका भेद, एक और लिख लेना आप यहां पर इसमें, नायिका भेद आदि, ठीक है। तो ये साथियों आपको इनके ग्रंथ ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। हाँ, करेंगे इसका भी कुछ, सोचते हैं सोल्यूशन मोबाइल डाटा का भी ना, ठीक है। तो प्रमुख ग्रंथ आपके भाषा भूषण हो जाएगा, चंद्र प्रबोध हो जाएगा, नायिका भेद हो जाएगा, और आनंद विलास होगा, सिद्धांत सार होगा, अनुभव प्रकाश, ये साथियों आपके इसके यहाँ पर हो जाएंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है महाराजा अजीत सिंह, ओके। नेक्स्ट अगला जो आपका आएगा साथियों शासक यहाँ पर, वो कौन सा हो जाएगा, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। अब आप सभी को पता है साथियों, जो महाराजा अजीत सिंह थे, ये वही थे जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र, ठीक है, और जिनकी सहायता शासन दिलाने में किसने की थी, वीर दुर्गादास राठौड़ ने की थी, और इसकी रक्षा की थी साथियों गोराधाय ने, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है, ये वही क्या है भाई, अजीत सिंह है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र कौन है भाई, हाँ, ठीक है, ओके, ये आपको जान रखना, जोधपुर के शासक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों इसमें ग्रंथ, ठीक है, कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन हैं, कौन कौन से हैं प्रमुख ग्रंथ। तो देखो भाई, प्रमुख ग्रंथ की यदि मैं बात करता हूं साथियों यहां पर, तो प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे आपके इनके गज उद्धार, भाव वरही, गुण सागर, दुर्गा भाषा पाठ, ओके, गज उद्धार, गज उद्धार है नंबर। नेक्स्ट आपका है भाव वरही, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपका इसमें आता है गुणसार, दुर्गा भाषा पाठ, ठीक है, गुणसार,
ठीक है, गुणसार और लास्ट है दुर्गा भाषा पाठ। दुर्गा भाषा पाठ ठीक है, तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है। ओके हाँ बिल्कुल, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे साथियों महाराजा अजीत सिंह जोधपुर के शासक, जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। प्रमुख ग्रंथ गजोद्धार हो जाएगा, भाववरे हो जाएगा, गुणसार हो जाएगा और दुर्गा भाषा पाठ, ये इनके क्या हो जाएंगे भाई, प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट, अगले जो आपके आते हैं साथियों सावंत सिंह उर्फ नागरी दास ठीक है। नेक्स्ट आपके कौन आएंगे, महाराजा सावंत सिंह उर्फ नागरी दास ठीक है, किशनगढ़ के शासक थे भाई ये महाराजा सावंत सिंह उर्फ नागरी दास ठीक है। सुम कविताएं लिखते थे ठीक है, और आपको ध्यान होगा बनी ठनी जो प्रसिद्ध चित्र था साथियों ठीक है ना, वो इन्हीं के समय का था। ओके जो प्रमुख चित्रकार निहाल चंद द्वारा बनवाया गया था। ओके ये आपको ध्यान रखना है ठीक है ना। हाँ ओके ये आपको साथियों ध्यान रखना है। इसमें आपको लिख लेना किशनगढ़ के शासक थे ठीक है, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थे और नागर समुच्चय के नाम से कविता लिखते थे। नागर समुच्चय के नाम से कविता लिखते थे ओके भाई ठीक है। ये आपको इतना साथियों सावंत सिंह नागदास के बारे में ध्यान रखना है। अब आता है भाई बुद्ध सिंह ठीक है। नेक्स्ट अगला शासक आता है साथियों बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह कहाँ का शासक था भाई, बूंदी का ठीक है। प्रमुख ग्रंथ नेहतरंग ठीक है, प्रमुख ग्रंथ क्या हो जाएगा साथियों इनका, नेहतरंग हो जाएगा। ओके नेहतरंग इनका क्या है भाई, प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। ओके इतना आपको साथियों ध्यान रखना है इनके बारे में, बुद्ध सिंह के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है साथियों चंद्रशेखर ठीक है, कवि चंद्रशेखर, कवि चंद्रशेखर अगला चंद्रशेखर ठीक है। तो ये साथियों बूंदी के शासक सुरजन सिंह हाड़ा के क्या थे भाई, दरबारी कवि ठीक है। सुरजन सिंह हाड़ा जो बूंदी के शासक थे उनके दरबारी कवि थे। इनके दो ग्रंथ हैं, एक तो आपके सुरजन चरित्र और एक साथियों आपके हो जाएंगे यहां पर हमीर हट ठीक है। ओके ये आपको ध्यान रखना है, तो लिख लो इनको भाई। बूंदी के शासक
राव सुरजन सिंह हाड़ाकी, दरबारी कवि। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ नंबर एक आपका हो जाएगा प्रमुख ग्रंथ इनका अमीरठ। नंबर एक कौन सा भाई आपका अमीरठ, और अमीरठ आप सभी को पता है रणथंभौर के शासक अमीर देव चौहान के बारे में ठीक है, और नंबर दो कौन से साथियों, नंबर दो आपको हो जाएगी सुरजन चरित्र। ठीक है ना, और ये आपको जाएंगे सुरजन सिंह हाड़ा के बारे में। ओके, सुरजन सिंह हाड़ा के बारे में। ओके, इतना साथियों आपको जानना सुरजन चरित्र में। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट साथ इसमें आपका बच जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, ठीक है भाई, हाँ मलिक मोहम्मद जायसी अंतिम और लास्ट आपका इसमें मध्यकालीन इस साहित्यकार हो जाएगा साथियों आपका मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है साथियों वो कौन सा हो जाएगा भाई, ग्रंथ इनका पद्मावत। ठीक है, ग्रंथ कौन सा हो जाएगा साथियों, पद्मावत। ठीक है, कौन सा ग्रंथ होगा भाई, पद्मावत होगा। ठीक है, ओके, और इस पद्मावत ग्रंथ की रचना कब होती है भाई, 1540 में। शेरशाह सूरी के समय, ठीक है भाई, शेरशाह सूरी के समय साथियों 1540 में किसकी रचना होती है, पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना होती है। और इस पद्मावत में किसके बारे में बताया गया, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन। ठीक है, 1301 में
रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन। 1301 में रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन। ठीक है भाई, ये हमें कहां देखने को मिलता है साथियों? ये हमें देखने को मिलता है मलिक मोहम्मद जायस के ग्रंथ पद्मावत में देखने को मिलता है। ओके ठीक है, और अब अपना हो जाता है साथियों यहां पर ये मध्यकालीन जो साहित्य था अपना वो हो जाता है समाप्त। ठीक है, मध्यकालीन साहित्य साहित्यकारों का जो समय था साथियों वो अपना हो जाता है समाप्त, जो 15 से लेकर था साथियों आपका 18 तक। ठीक है, और अब चलेगा आधुनिक काल। ठीक है, राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल इसमें चलने वाला है, और उस आधुनिक साहित्य में हम पढ़ने वाले साथियों जिसे कह सकते हैं इतिहास एवं इतिहासकारों का काल। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, इतिहास एवं इतिहासकारों का काल कहेंगे, और जिसका समय आपका होगा साथियों 18 से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, जो 18वीं सदी से लेकर जो वर्तमान तक, और जिसमें आप पढ़ेंगे अब जैसे कि मोहनोद नैनसी तो आपने पहले पढ़ लिया, ये तो पहले होगा आपका। ठीक है, ओके, आदिकाल का हो गया। तो और इसमें जो हम पढ़े जैसे कि आपका यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण हो गया। ठीक है, इसके अलावा विजयदान देथा हो गया, इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड हो गया। ठीक है, ये जितनों के बारे में साथियों हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक में, और नेक्स्ट अगला टॉपिक अपना होगा प्यारे साथियों यहाँ पर वो होने वाला है आधुनिक साहित्य या इतिहास एवं इतिहासकारों का काल, और इसकी क्लास अपनी होगी प्यारे साथियों नेक्स्ट अगली क्लास। ओके ठीक है, तो अभी एक दो क्लास और आपकी होंगी, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान का साहित्यिक विकास, और इसके बाद में इसकी एक क्लास अपन लेंगे यहाँ पर भाषा से संबंधित साहित्यिक संस्थान, और इसके अलावा साथियों साहित्य से रिलेटेड जो आपके संस्थान है उनको, और एक चित्र क्लास से रिलेटेड संस्थान जो अभी मैंने आपको नहीं कराए हैं उनको भी मैं आपको कराने वाला हूँ, जो आपको नेक्स्ट आगे क्लास में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।